चल। ये क्या है डंका जी? गिरिवलाल जोशी जी हैं? ये आपका हर बात ही यही फिल्म चल रही है आपकी हर बार हैं? ये डका मार के लाते हो अस्पताल में, कैसे कर रहे हैं? टनका हां हूं मैं टनका, पर मैं फटीचर नहीं हूं सर। मतलब क्या मतलब भाई? मतलब आज इस लड़के ने हद कर दी। मैंने इससे कहा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कुछ लिख दे, तो इसने ब्लैक बोर्ड पे फटीचर डे लिख दिया। अब ये तो बहुत गलत है सर। नहीं सर, मैं कुछ और लिखना चाह रहा था सर। सर, इस बच्चे की वजह से पूरा मोहल्ला मुझे छिपकली के नाम से बुलाने लगा है। आप क्यों सर चिंता जी, आप क्या चाहते हैं? आपके नाम का ये जो छिदा नाम है आपका, इसके नाम के पर्चे छिपवा दूं मैं? अरे सर पर्चे छोड़िए, ये तो खुले आम टीचरों को फटीचर कह रहा है। क्या ये दिन देखने के लिए हमने अध्यापन कार्य शुरू किया था? चलिए सर मान लेते हैं कि ये ऐसे अड़ियल बच्चे हम जैसे अध्यापकों का कुछ ना कुछ नामकरण कर देते हैं हास्य विनोद में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर को फटीचर नाम से संबोधित किया जाएगा। ये स्वीकार करने योग्य बात नहीं है सर। सर मैं तो कहती हूँ इस जसपाल का स्कूल से नाम काटकर आपको एक कड़ा उदाहरण प्रस्तुत करना ही होगा। एक्सक्यूज मी मैम, आप तो अर्थशास्त्र की टीचर है ना? तो नहीं मैम, मेरा कहने का मतलब था कि इतनी अच्छी हिंदी। चिंदी हिंदी क्या कर रहे हैं? हिंदी बोला है उन्होंने, हिंदी बोला है, चिंदी कर रहे हैं? चिंदी ही होगा वो जिसे अपनी भाषा का ज्ञान ना हो। आप हिंदी चिंदी कर रहे हैं, वो टीचर फटीचर लिख रहे हैं, क्या चक्कर है? पर मेरा आशय हिंदी को चिंदी कहना नहीं था सर। मेरा भी आशय टीचर को फटीचर कहना नहीं था सर। अरे ये आशय क्या है? आशय का अर्थ अर्थ होता है सर। ए, अर्थ तो अर्थशास्त्र का शब्द है। अर्थशास्त्र का अर्थ धन होता है सर। मेरे कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी को भी तो इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। अरे आप जैसे ही लोग तो अर्थ का अनर्थ करते हैं इस पृथ्वी पे जन्म लेकर। ये है गणित के टीचर। क्षण भर के लिए चुप रहेंगे तब। बोलो जसपाल, क्या आश्रय था तुम्हारा? आश्रय नहीं आशय। वही बोलो जसपाल। सर्वप्रथम आप सभी गुरुजनों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। वस्तुतः गुरुजनों, मैं श्याम पट अर्थात ब्लैक बोर्ड पर अपनी स्वरचित कविता लिखने जा रहा था जिसका शीर्षक है फटीचर डे। दरअसल उसमें सर मैं टीचर को फटीचर नहीं कह रहा था। कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं कि हर दिन हमारा होता फटीचर यदि हमारे जीवन में ना होते टीचर। ना होता सोम मंगल हर दिन होता शनिचर यदि हमारे जीवन में ना होते आप जैसे टीचर। हम ना होते ज्ञानी बन जाते लीचर यदि हमारे जीवन में ना होते आप जैसे टीचर। सर टीचर अर्थात गुरु कोई भी हो सकता है जो हमें अनुशासित जीवन जीने की कला सिखाता है, जैसे कि हमारी माता श्री। स्कूल जाते वक्त वो हमसे कहती है कि बेटा सड़क देख के पार करना, तो वो हमारी गुरु है। हमारे पिताजी हमारे भाई बहन हमें कहते हैं कि बुरे व्यसनों से दूर रहो, अर्थात वो भी हमारे टीचर हैं, गुरु हैं। लेकिन इस ज्ञान के अथाह समंदर में जो हमें तैरना सिखाता है वो हमारे विद्यालय के टीचर यानी कि आप होते हैं सर। सर माता पिता के पश्चात गुरु ही वो अभिभावक हैं जो अपने छात्र का सिर्फ हित चाहते हैं। हाँ कुछ टीचर अड़ियल हो सकते हैं लेकिन फिर भी गुरु हमेशा वंदनीय है, निंदनीय नहीं सर। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की नींव सर्वप्रथम टीचर द्वारा ही रखी जाती है सर। हाँ सर हम स्वीकार करते हैं कि हम हास्य विनोद में अपने टीचरों के नाम रख देते हैं, पर इसके पीछे भी हमारा टीचरों के प्रति अगाध स्नेह है सर। हम उद्दंड हैं, लापरवाह हैं, शरारती हैं, लेकिन सर आप खुद सोचिए यदि सारे बच्चे अनुशासित होंगे तो विद्यालय का माहौल बिल्कुल नीरस हो जाएगा सर। कोई मनोरंजन नहीं रहेगा। हम जैसे उत्पाती छात्र ही पूरे विद्यालय में उल्लास और मनोरंजन का कारण बनते हैं सर। इसके अलावा दूसरे स्कूल के बच्चे यदि हमारे स्कूल के बच्चों को परेशान करते हैं तो हम उन्हें कूटकर अपने स्कूल का मान बढ़ाते हैं सर। पश्चिम देशों में हमें बैक बेंचर्स कहा जाता है सर, यानी कि पिछले क्रम में बैठने वाले छात्र। और आप यकीन मानिए सर, यदि अनुपात लगाया जाए तो कला और खेल जगत में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो हैं वो कभी बैक बेंचर्स थी सर। उन्होंने अपने गुरुओं का नाम रोशन किया, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया और यही नहीं अपने देश का भी नाम रोशन किया सर। एक मजबूत राष्ट्र सिर्फ विज्ञान और राजनीति से नहीं बनता सर, कला और खेल से भी बनता है।
इसीलिए मैं आप सभी गुरुजनों से कहना चाहता हूँ कि एक मेधावी छात्र की भांति ही एक बैक बेंचर यानी पिछले क्रम में बैठने वाला छात्र भी अपने गुरु का और स्कूल का नाम रोशन कर सकता है सर। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं सर। आपका कम आज्ञाकारी बैक बेंचर शिष्य जसपाल शर्मा। इस लालटेन में आज बल्ब की रोशनी कहां से आ गई? वाह! अरे सर, वो अपने हिंदी के ज्ञान में आपको पागल बना गया। वाह! आप नहीं सुनने वाले। वाह! जसपाल,